पहुंच गए जी हम लोग बीएमपी मंदिर, यहाँ पर जो हम लोग लगातार आया करते हैं। और जब हम स्ट्रगलिंग फेज में थे अपने, हमें ध्यान है यहाँ पर आए थे और मन्नत मांगे थे माता से, तो वह मन्नत जो है पूरा भी हो गया था। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज है नवरात्रि की दूसरी पूजा। अभी जो थोड़ा सा सीरियल लगा करके देख रहे थे, इजरायली वेब सीरीज है और जिसका नाम है फौदा, जो कि नेटफ्लिक्स पर आया हुआ है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग देख भी चुके होंगे, हम थोड़ा लेट हो गए देखने में, लेकिन जी मजा आ रहा है देखने में, सही में जबरदस्त थ्रिल है इसमें। A few moments later. उनके क्रियांश भी आ गया है नीचे से। तो यहाँ पर जी हमारा खाना लग गया है, तो जल्दी से बैठते हैं और खाना खाते हैं। क्रियांश भी देख रहे हैं, तुम्हें भी खाना है क्या? क्रियांश पहले खा के आ गया। अच्छा है ना, बोल दो मैं पहले खा गया। सोने का भी समय हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल खेल रहा है, कोई बात नहीं, कुछ देर में सो जाएगा। खाना तो हो गया, होता ही रहेगा। तुम ना अपना कपड़ा थक कर पसारा करो। ओके ठीक है, बिल्कुल पसार दिया जाएगा, आपका आदेश जो है सड़क में ऊपर। रोज कहते कहते हम 60 बरस के हो गए। The next day. अभी बज रहे थे सुबह के 10:15 और क्रियांश जो है अभी तक सोया हुआ था, लेकिन क्रियांश जो है अब जग चुका है। तो जब तक क्रियांश सोया हुआ था कुछ काम तो अपना निपट गया, लेकिन अब जो है क्रियांश क्योंकि जग गया है तो अब क्रियांश की जाएगी मालिश। तो जिया वहाँ पर मालिश की तैयारी कर रही है, फिर जब उसकी मालिश हो जाएगी फिर मेरा नहाने का जिम्मेदारी होता है, फिर हम उसको नहा देंगे, फिर आगे का काम करेंगे। क्रियांश के बहाने कब करते हैं, मम्मी का यह शिकायत है कि आगे जो है दशहरा भी है, छठ भी है। तो तो तुमने सरकारी नौकर थी, हम थोड़े सरकारी नौकर। तुम देखा तो मेरी माँ जीवन का रूटीन घूम रही है। अच्छा, लेकिन हम नहीं रहे ना। तो उसी को लेकर के जी बात चल रही है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या प्लान किया जाए। और मेरा जन्मदिन भी है इस बीच में, 1 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन भी है, तो उसको लेकर के भी कुछ अलग सा सेलिब्रेशन करना है। जिया का जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, उस बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, तो कोशिश करेंगे उसी तरह का कुछ जो सेलिब्रेशन है हमारे जन्मदिन पर भी हो। और जिया जो है यहाँ पर सारे कपड़े को समेट रही है, लेकिन तुमको अभी मालिश का तैयारी करना है, बाद में समेट लेना। आप अपने बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तो ऐसा ही होगा, शाकाहारी पार्टी ही होगा, बिना लहसुन प्याज का पार्टी हो जाएगा, फल का पार्टी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, साबुदाना लेते आएंगे, साबुदाना खीर बन जाएगा, साबुदाना का खीर बनेगा, मखाना का खीर बन जाएगा, मखाना का खीर बनेगा, फल और जितना फल ला सको सब लाएंगे, वही पार्टी होगा, क्योंकि व्रत के समय वो अलड़ बलड़ नहीं। ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं। परिवार रहते हो उसने न होते, वो बात है, तू सब कितना मोटी जा, अभी मोटा होते। पूछे दादी से कि मोटा काहे होता है, तो बोली मोटा निक नहीं रहे थे। ठीक छे, ठीक छे, दादी का साड़ी पकड़े खींच के खा, जे मिले छे वही मुँह में ले लेते। बोली अब इसके हाथ में अमृत होता है। अच्छा, अरे बदमाश, कोई बात नहीं, अब इसके नहाने का समय हो गया है, कुछ देर में नहाएगा अभी। और यहाँ जो क्रियांश है मजे में लेटा हुआ है, सोचे थे कि इसको जा करके नहाएंगे, लेकिन अभी इसको यहीं पर मजा आ रहा है, तो इसको थोड़ा खेलने दे रहे हैं। माँ बाप हो कि दादा दादी हो, परिवार के अच्छे लोग हो या समाज के अच्छे लोग है, वह बाल लीला जो है वह देख करके आज तक किसी का मन नहीं भरा है, इसलिए हम कहते हैं उसमें दिमाग थोड़ा कम लगाओ और अपना काम करो, नहीं तो किसी का कोई काम नहीं होने लगा। मजे में सुन रहा है दादी, क्या मजे में सुन रहा है, मजे में सुन रहा है तुम, उंगली मुंह में नहीं डालना है क्रियांश, क्या आदत करूंगा। अपने आत्मा में ही भगवान के बाल रूप का, उनको आँख भगवान नहीं दिए, लेकिन अपनी आत्मा के आँख से सूरदास देखता था, तब जो भगवान के बाल छवि का वर्णन किया है, जो पढ़ के आदमी देखेगा कि वास्तव में बाल छवि क्या होता है, इसलिए तो वही भगवान नहीं दिया है। अभी तो इसको छल प्रपंच ऊंच नीच द्वेष ईर्ष्या हर चीज से ऊपर है, इसका तो डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से है। बिल्कुल, ये बदमाश का कनेक्शन ये छोल छे है। लेकिन हाथ देखिए, हाथ देखिए, हाथ ये देखिए, हाथ ओह जय जय कर रहा है, ये जय 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 जय। यहाँ पे देख सकते हैं बेटू नाई नाई कर रहा है, पापा नाई नाई करवा रहे हैं, मजे में नहा रहा है, मजा आ रहा है आपको? बहुत मजे में है, मजा आ रहा है बेटू आपको? देखिए खेल रहा है, तुम खेलने में अभी पापा की उंगली छुड़ाइए तुमने।
कोई बात नहीं, नाई नाई कीजिए, ठीक है? डैडी पूजा कर रहे हैं शायद। बैर पकड़ के मेरा पोता ऐसे छोड़ता है, चोट लगेगा ये बात तो उसको होश है नहीं। हाँ, बाल नीला करता है। अभी यहाँ लेटा हुआ था, इसलिए उसको रख देते हैं। एक दिन में चार कपड़े उसके धुलते हैं। वह उनका अभी भी रहता है माँ, जो एक टी शर्ट पहन के कहीं गए तो खोल के रख देंगे। बाप से 20 नहीं है, अभी भी 18 है। सुनो जी, आप जो अभी एक कपड़ा पहन के जाते हैं कहीं, फिर उसको खोल के रख देते हैं, फिर दूसरी बार आते हैं दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, गंदा तो सारा हो गया, सबको धोते रहो। हाँ बोलिए, उससे आपसे कम ही है वो। पाली नहीं, लेकिन जब मैं अपने बच्चे से मिलने जाती थी तो मेरी माँ कहानी सुनाती थी, जो निर्जा का बेटा इतना उपद्रव लिया जिसका चर्चा। माँ किचन में भी अपना गुनगुनाते रहती है, गुनगुनाता है ना, कुकड़ी बेटी कुकड़ी बेटी, वैसे ही गुनगुनाती है। प्रभु का नाई नाई हो गया है, नाई नाई करने के बाद अभी जा रहे पूजा करने बाबा के साथ। जय जय होगी अबिटू का। क्या हुआ? होय 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 होय। आज जो है क्रियांश ये वाला ड्रेस पहनेगा, देख सकते हैं कितना प्यारा सा ड्रेस है। वैसे यहाँ कितना प्यारा लगता है अभी क्रियांश पहनेगा, आपको पता चलेगा। हाँ, तो बहुत खुश है क्रियांश ड्रेस पहनने को लेकर के। तो इसको जो है चुटकी बजाते ही क्रियांश पहनेगा। ये क्रियांश के लिए ही था, तो हम लोग जो अभी कपड़ा पहनाने ही वाले थे, इसी बीच माँ आई, बताई कि जागरण से पहले जो है नहीं पहनाया जाता है नया कपड़ा बच्चे को। बच्चे लोग समझते नहीं है, इन लोग उतावला हो जाते हैं कि नया कपड़ा आता है बच्चों को पहना दे। बड़े से पूछ लेना चाहिए। हम लोग के यहाँ कल्चर है जो कि बिना भगवती का जागरण किए हुए अष्टमी के बाद ही किसी भी तरह का नया कपड़ा बड़े या बच्चे को भी पहने। ठीक है, तो अष्टमी के बाद ही पहनेगा माँ भगवती के सम्मान में। ठीक है, आइए देखो इसका बाल हो गया है खड़ा एकदम, माता के सम्मान चेन लगाया हुआ है, माँ के सम्मान में हम लोग करते हैं। ओके ठीक है, पहले कपड़ा जगत माता स्पाइक बन गया है तुम्हारा, माता पार्वती का दिया हुआ है माता। तो नया ड्रेस तो यहाँ पहन नहीं सकता था, अब यहाँ पुराना ड्रेस ही पहन लगा। पुराना नहीं है, बस एक दिन पहना है, एक दिन पहना हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मीटू के पास इतने अच्छे हैं, हाँ, लोगों ने दिया है, सबने दिया है, एक दिन पहनता बस उसके लिए पुराना हो गया बस, है ना। और छोटा भी हो जाता है तुरंत ड्रेस, तुरंत छोटा हो जाता है वो, मतलब हमको लगता है छोटा हो गया, बस एक दिन और पहनाएंगे। हाँ होय होय होय, हाँ होय होय, हाँ हाँ होय होय, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, टिक्कू देखो टिक्कू टिक्कू। तो क्रियांश का तो नहाना हो गया जी, जो है क्रियांश को तैयार किया जा रहा है। वैसा करते हैं हम भी नहा लेते हैं और अपने काम धाम पर भी लगेंगे। 20 बार गए नहाने, कोई बात नहीं, 20वां बार में नहा लेंगे। हमारे डैडी की पूजा हो गई है, उनको बोले कि खाना लगा दे, तो बोले हाँ, इसमें कहने में देर नहीं लगेगी, चाय बनाओ खाना लगाओ, मैं आ रहा। अच्छा। लेकिन आते हैं आधे घंटे बाद, और जवानी से 60-61 की एज में हम दोनों पति पत्नी आ गए, 62 की एज में, लेकिन उनके आदत में किसी भी तरह का सुधार नहीं। और अब जो है मेरा नहाना लगता है फिर से डिले हो जाएगा, क्योंकि जब डैडी का खाना लगेगी तो हम भी खा लेंगे, और जब हम भी खा लेंगे उसके बाद डैडी को छोड़ करके ही जाएंगे नहाने। मेरे पति में एक खासियत है, कितना भी बोलने के बाद मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, ईटो भगवान की दया है, यही समझो। चलो, बाल बच्चा पर भी भगवान बना रहे, ईश्वर से ही प्रार्थना करते और संसार के हर औरत के लिए प्रार्थना करते, उसका बेटा और पति अच्छा। हमारा तो नहाना हो गया जी, और अब बारी है पापा को कोर्ट छोड़ने की, तो जाते हैं जल्दी से पापा को कोर्ट छोड़ते हैं, कोर्ट छोड़ करके आएंगे फिर पेट पूजा करेंगे। किया गाय का खाना कहाँ रखी है? अच्छा बोतल, ठीक है। तो ये है जी गाय का खाना, ये लेकर के चलते हैं नीचे। मम्मी का भी कॉल आ रहा है कि क्यों नहीं आ रहे हो। हेलो, हाँ दीदी बस तुरंत आए, हो गया तुरंत आ ही रहे, हम भी नहा के निकले थे। ठीक है ला रहे हैं खाना। अब
पापा को तो कोर्ट छोड़ दिया जी, अब सीधा चलते हैं घर, भूख भी बहुत तेज लग गई है, पेट पूजा करें फिर उसके बाद जो है अपने काम पर लगते हैं। तो फाइनली जी घर पहुंच गए। पीछे आपको क्रियांश के शोर का आवाज पता नहीं सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, यहाँ तक तो आवाज आ रही है। और जिया जो है तैयार हो चुकी है, तो देख सकते हैं जिया तैयार हो गई है। तो अब सीधा यहाँ से हम लोग चलने वाले हैं मंदिर, और मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे, फिर करेंगे पेट पूजा। वैसे हम सोचे थे कि आते ही पेट पूजा कर लेंगे, लेकिन पता नहीं था मंदिर के बारे में। चलते हैं फिर, जल्दी आ जाए। जल्दी नहीं आएगा तीन देर। अच्छा, चल सोता नहीं है दिन में, पहले सो जाता था आधा घंटा 40 मिनट से बेसि नहीं सोता, पहले सोता था 2-3 घंटा। बगल में रहेगा खाली टल्ली मारा, खाली घूमने का। पहुंच गए जी हम लोग बीएमपी मंदिर। यहाँ पर जो हम लोग लगातार आया करते हैं, और जब हम स्ट्रगलिंग फेज में थे अपने, हमें ध्यान है यहाँ पर आए थे और मन्नत मांगे थे माता से, तो वह मन्नत जो है पूरा भी हो गया था। और फिर आ रहे हैं जी, बार बार आते रहेंगे यहाँ पर। मंदिर बंद नहीं, नहीं है बंद, खाली फाटक सटाया हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं बारिश भी होने लग गई है, इससे पहले की थोड़ी मूसलाधार बारिश हो जाए हम लोग जो है पूजा करके यहाँ से घर निकल जाते हैं। मंदिर में तो हो गई थी हमारी पूजा, और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मंच बना हुआ है और ढेर सारी कुर्सियाँ लगी हुई है, शाम के लिए। तो लगता है कोई प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है ना। तो 9वीं-10वीं के दिन तो शायद यहाँ पर हम लोग को जगह भी नहीं मिलेगा आने का, इतना भीड़ रहेगा। तो अभी हम लोगों के पास मौका है कि आराम से श्रद्धा से पूजा कर लेते हैं, शांति से पूजा कर लेते हैं। और 9वीं-10वीं के दिन अष्टमी के दिन से ही शुरू हो जाता है, भयंकर भीड़ रहती है यहाँ पर। अभी भी आप अभी लेट से आए ना हम लोग, इसलिए भीड़ नहीं। अगर पहले आते तो भीड़ नहीं, क्योंकि अभी दोपहर का 1 बज रहा है, 1 से 1.30। तो जिनको भी पूजा करना था सुबह पूजा करके चले गए होंगे। तो चलते हैं जी अब हम लोग सीधा घर, क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी भूख भी लग गई है। और खाना खाएंगे फिर अपने दिन का जो काम धाम है अपना वो सब पर लगते हैं।